As always, the politics has only intensified. There's a blame game on as the people suffer. The netas continue to bicker while nothing happens for the people of Delhi. After Delhi's Lieutenant Governor V.K. Saxena and the BJP have blamed the lack of preparations for the waterlogging in Delhi, Aam Aadmi Party leaders have held the Lieutenant Governor Saxena responsible for the situation in the national capital. प्रधानमंत्री साहब की बात हुई, जैसा आपने मिनिस्टर की जानकारी दी थी, क्या कुछ काम है? उन्होंने ये पूछा कि दिल्ली के क्या हालात हैं और क्या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं उसको करने के लिए, और उनका एक मेन कंसर्न ये था कि दिल्ली की जनता को कोई तकलीफ ना हो, इस बात का आप पूरा ख्याल रखें। तो हम लोग रात से ही सभी के टच में हैं। सोनिया विहार में भी एक ब्रीच हुआ था, उसको भी टैकल कर लिया गया, यहाँ पर हुआ है, इसको भी हैंडल कर लिया जाएगा। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और जिसको हम लोग हैंडल कर लेंगे, और सभी जो हैं इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। सर, एक निवेदन है छोटा सा। सर, रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आइए एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता। सर, अश्वनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, टीएस साहब भी थे उस पर, सर थोड़ी सी मदद हो जाती। सर, और ये कहना चाहूंगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीजें कह सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो, और जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम उसको सॉल्व करें। ये सारी चीजें बात को हो सकती है, हमें इतना समझना चाहिए। एनडीआरएफ की टीम का जहां तक सवाल है, सुबह मेरे 7 बजे आर्मी से बात हुई, होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है, और उन्होंने अपनी टीम को पहले भेजा है, उन्होंने असेसमेंट किया है। असेसमेंट करने के बाद क्या रिक्वायरमेंट है उसके काम शुरू हो गए हैं। तो हमको जो है थोड़ा सा समझदारी से काम करने की जरूरत है, सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हम ब्लेम गेम में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो बहुत दुख की बात है कि ऐसी आपातकाल स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ राजनीति करने का समय मिल रहा है। ये समय है सबके साथ काम करने का, और मैं इस बात से अचंभित हूँ कि अनुराग ठाकुर जी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी में इतनी चमत्कारिक क्षमता है कि वो हिमाचल प्रदेश में बारिश करवा सकते हैं, कि वो हरियाणा में बारिश करवा सकते हैं। क्योंकि जो आज दिल्ली में पानी आ रहा है, ये दिल्ली में बरसात की वजह से नहीं आ रहा है। हम सबको पता है दिल्ली में पिछले 4 दिन से एक बूंद पानी नहीं बरसा है। जो आज सारा पानी दिल्ली में है, ये हरियाणा की हथनी कुंड बराज से बहते हुए यमुना में आया है। सरकार की तरफ से काम नहीं हो रहा, और तकलीफ इसी बात की है। मैं नहीं कह रही कि बाढ़ को रोका जा सकता है, लेकिन आप पहले उसकी सूचना जो है वो दे सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप प्लानिंग ठीक कर सकते हैं, नालियां साफ कर सकते हैं। इस बार नॉर्मली एक सूचना आती है कि बाढ़ संबंधित जो विभाग है उसकी एक मीटिंग की सूचना आती है, इस बार वो सूचना भी नहीं आई।